यूक्रेन हुआ निष्ठो नाबोद, जाने दोनों तरफ से जा रही हैं, कब आएगा रशिया को बोध। मैं मनीष, इस बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंडिया इन्फो। अमेरिका ने रशिया से ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट पर लगाया बैन। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दिया बयान कि यूक्रेन में नहीं होगी पुतिन की जीत। पुतिन ने दिया बयान, ईयू और नाटो को दी चेतावनी, ईयू और नाटो भेज रहा है यूक्रेन में हथियार, कहा महंगा पड़ सकता है दखल देना। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जेलेंस्की का बयान, कहा हम भी नहीं चाहते थे युद्ध। जेलेंस्की ने ब्रिटेन पार्लियामेंट में बताया रशिया कर रहा है बच्चों पर भी हमला, अभी तक 50 बच्चों की हो चुकी है मौत। यूक्रेन ने IAEA से किया अनुरोध, चेर्नोबिल प्लांट में फंसे हुए थे 210 कर्मचारी। मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका कोला और पेप्सिको ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच जारी किया बयान कि रशिया में अपने सारे आउटलेट्स करेगा बंद। ट्रेन के थ्रू बेलारूस पहुंच रहे रशियन हथियार, रशिया ने किया बड़ा ऐलान, आज 10 बजे से रशिया करेगा सीज फायर ताकि यूक्रेन में रह रहे विदेशी नागरिकों को सेफ पैसेज दिया जा सके। यूक्रेन ने जारी किया बयान, बताया रशिया ने यूक्रेन के 61 हॉस्पिटल्स को किया तबाह। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन ने किया ऐलान, रशिया के लिए किया एयर स्पेस बंद। नाटो के सेक्रेटरी ने दिया बयान, कहा नाटो और यूक्रेन की ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं पुतिन। ब्रिटेन के ऊर्जा सचिव ने जारी किया बयान, कहा रशिया से बंद करेगा ऊर्जा का इम्पोर्ट। युद्ध के बीच पोलैंड का दावा, कहा कि करेंगे यूक्रेन की मदद, MiG-29 एयरक्राफ्ट को जल्द ही भेजेगा यूक्रेन। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने रशिया के ओको स्पोर्ट्स पर लगाया बैन। युद्ध के बीच पुतिन ने दिया बयान, कई देशों पर ऊर्जा एक्सपोर्ट पर लगाएगा बैन, 2 दिन के अंदर निकालेगा लिस्ट। आज रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का 14वां दिन, बमबारी के चलते शहर हुए बर्बाद। यूक्रेन ने जारी की रशिया की अटैक हेलीकॉप्टर की नई वीडियो, दिन और रात में कर रहे ये हेलीकॉप्टर बमबारी। कीव में यूक्रेन के सैनिकों ने उड़ाया रशियन एयरक्राफ्ट, विदेशी रिपोर्टर ने किया वीडियो को साझा। यूक्रेन के इजेलम और निकोलेव में रशिया ने किया बड़ा हमला, दोनों शहरों पर दिखाई दे रहे हैं रशियन सैनिक। यूक्रेन के मारियापोल पर रशिया का कब्जा, सड़कों पर पेट्रोलिंग करते दिखे रशियन सैनिक। यूक्रेन के लुहांस में रशिया ने किया ऑयल डिपो पर मिसाइल से हमला, चारों तरफ आग ही आग। सुमी के रिहायशी इलाकों पर किए रशिया ने हमले, 2 बच्चों और 21 नागरिकों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन में रिहायशी इलाकों में बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, आम लोगों को निकालने के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, बसों द्वारा लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद 15 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन, अब तक का सबसे बड़ा पलायन। रशिया का बड़ा दावा, यूक्रेन में मिली 30 बायोटेक्नोलॉजी लैब्स। यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को भेजी $700 मिलियन की मदद। यूक्रेन के सुमी में रह रहे इंडियंस को सुरक्षित निकाला गया, जल्द होगी घर वापसी। जेलेंस्की ने दिया बयान, यूक्रेन में रिसर्च सेंटर्स पर कब्जे का है खतरा। इस बुलेटिन में इतना ही, अंत में चलते चलते हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये बुलेटिन कैसी लगी। धन्यवाद।